अब बेटा इस जवानी की दैवी पर इसने कदम रखा, बाप बेचारा बूढ़ा हो गया, अचानक अल्लाह ना करे किसी हादसे का अगर शिकार हो जाए और उसकी मौत वाकई हो जाए तो पूरे बाप के दिल पर एक चोट लगती है। हाय मेरे हाथ को आया हुआ बेटा, जवान बेटा निकल गया, ये अल्लाह का बंदा, ये बूढ़ा बाप अपने बेटे की मोहब्बत में उसी को सोच सोच कर वो भी खत्म हो जाता है। मियां बीवी इनका चोली दामन का साथ होता है, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से बूढ़ा बूढ़ी मियां बीवी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आपस में कौन से एक ताल्लुक, एक लगाव, एक मोहब्बत पैदा हो जाती है मियां बीवी में। अब अगर अल्लाह ना करे अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोर उसका सदमा ले लेता है, मेरी घरवाली चली गई। इसलिए कि उसको आजकल की औलाद तो माँ बाप को घास नहीं डालती, माँ बाप को पूछती नहीं, जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहू वो तो कितना ही करो पराई घर की है ना, वो काहे को पूछेगी। यही थी बेचारी अल्लाह के बंदे अपने शोहर की फिक्र करती थी, अजी क्या हुआ तुमको, खाना क्यों नहीं चल रहा, मैं देख रही तुम पूरी रात सोई नहीं, करवटे बदलते हुए मैंने तुमको कई मरतबा देखा, दो दो तीन तीन मरतबा तो तुम वॉशरूम जा रहे थे इस दिन जाके लिए पेशाब के लिए, हो क्या गया तुमको, दिन ब दिन तुम्हारी खान खुराक भी कम हो गई, अब आधी रोटी भी तुमको नहीं चल रही। एक हफ्ते से बोल रही बोले मैं तुम्हारे बेटे को अब्बा को दवा खाने लेके जा, उसको होश नहीं है, मैं लेकर चलती बोले तुमको अच्छे डॉक्टर को बताती, बोले मैं बात करती डॉक्टर से तुम चलो। वो बेचारी ख्याल करती थी, पूछती थी, वो पूछने वाली चली गई ना तो उसका शोहर ये बड़े मियाँ अपनी बीवी के गम में 2-4-6 महीने में वो भी खत्म हो जाते हैं सदमे में, और बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर सदमा ले लेता, और शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी गम में डिप्रेशन में चली जाती, मेरा धनी मेरा सर का ताज चले गया, मेरी जिंदगी क्या काम की, 4 जने हैं मेरे, 4 जवान बेटे मेरे, एक भी तो पूछता नहीं मेरे को, मेरा था कौन इनके अलावा, कोई तो मेरी फिक्र करता था क्या हुआ क्यों तेरे को चक्कर आ रही, चल अपन तेरा बीपी चेक करा के आएंगे, शुगर डाउन तो नहीं, वो शुगर तेरी बड़ी तो नहीं, बेचारा वो फिक्र करता था अपनी बड़ी बी की घरवाली की, वो सोचने को फिक्र करने वाला चला गया, ये अल्लाह की बंदी अपने शोहर के गम में उसकी मौत के सदमे में ये भी खत्म हो जाती है। ये दस्तूर है दुनिया का कि बड़ा भारी सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है मेरे बुजुर्ग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया है, ये दुनिया क्या दारू